अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आई एम गौरी अंसारी। और आज का है हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसमें कि हम समझेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही ऑप्शन, जो कि था डाटा बार्स। तो इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये दो ऑप्शन हम पहले इसके समझ चुके हैं। तो हम देख लेते हैं डाटा बार्स को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो हम पहले उसके लिए हमारे जो भी नंबर्स हैं हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमने 6 नंबर हमारे सिलेक्ट कर लिए हैं, 6 सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और डाटा बार पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डाटा बार पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑप्शन आ गए। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो कलर है ये आपके डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम यहाँ कलर हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, इस तरह से भी चूज कर सकते हैं, ये आप पर है। तो हमने चूज करा है कलर। अब ये जो कलर है आपको ये डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे कि यहाँ पे 98 है, तो ये कॉलम, ये जो सेल है ये बिल्कुल ग्रीन कलर से फिल हो रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे 5 कर देते हैं तो देखिए परसेंटेज जो है वो तो चेंज हुए और परसेंटेज तो चेंज हुए, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका कलर भी कम हो गया। तो इसके थ्रू हम कलर को देख कर हम पता लगा सकते हैं कि नंबर जो है उसकी वैल्यू कितनी है। अगर 65 पे हम 100 कर देते हैं तो ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। 85 पे अगर हम 90 कर देंगे तो भी ये चेंज हो जाएगा। 74 को अगर हम 5 कर देते हैं तो आप देख सकते हो ये ब्लैंक हो गया है। तो ये जो कलर्स हैं ये हमारे जो डाटा है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद है तो उसके लिए भी हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर डेटा बार्स। तो ये हमारा समझ में आ गया। अब इसके बाद है कलर स्केल। ओके, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को और अच्छे समझने के लिए पहले हम इसको जो रूल्स एप्लीकेबल है उनको हटा देते हैं, ताकि हम और अच्छे से इसको समझ पाए। तो हम जाएंगे क्लियर रूल्स में और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। तो ये हमारे सेल सिलेक्टेड है और अब हम यहाँ जाएंगे कलर स्केल पे। अब कलर स्केल का क्या यूज़ है? कलर स्केल में जो मार्क्स सेम है उनके कलर्स सेम हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो 100 है, 90, 96 है वो रेड कलर में शो हो रहा है, और जो 70, 75 है वो येलो कलर में है, और जो 56 है, 50 के जो रेंज में वो सारे ग्रीन कलर में शो हो रहा है। तो इसके थ्रू कलर्स से नंबर्स हमारे चेंज होंगे, सॉरी नंबर से कलर चेंज होगा। फिर इसके बाद हम जाके इसको क्लियर कर दें पहले। देन इसके बाद है हमारा आइकन सेल सेट्स। ये हमारे बहुत काम के नंबर सेट है, इसके अंदर आइकन शो होते हैं। जैसे कि अगर हम इनमें से इन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आइकन बने आ रहे हैं, ये नंबर्स के हिसाब से आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ कि जिसके जो डाटा हमने एंटर किया है 92 है, तो आप देख सकते हो ये पूरे फिल है। तो ये हमारा जिस तरह कलर रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे डाटा को, इसी तरह ये जो साइन है ये हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ यही जो है शो हो और नंबर्स हट जाएं, तो उसका यूज़ हम क्या करेंगे, इसको भी हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं अलाइनमेंट नंबर्स, नंबर्स में यहाँ जाकर ये जो बॉक्स है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कस्टम आया। कस्टम पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हम जनरल की जगह लिख देंगे सेमी कॉलम। तो हमें यहाँ पे सेमी कॉलम टाइप करना है, हमने सेमी कॉलम टाइप किया और एंटर। ओके, तो आप देख सकते हो कि पूरे नंबर्स हट गए। अगर हम यहाँ पे नंबर चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा। जैसे कि हमने यहाँ क्लिक करा और हमने इसको 5 कर दिया, आप देखोगे कि परसेंटेज भी चेंज होगा, इधर नंबर अलग चेंज हुए हैं और ये भी चेंज हो गया। और अगर इसी कॉलम में हमने 100 कर दिए तो देख सकते हैं आप पूरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर्स भी चेंज हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये बिल्कुल ब्लैंक है। अगर हम यहाँ पे 100 कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर परसेंटेज भी चेंज हुए हैं और ये इसका कलर भी चेंज हो गया। और अगर आप वापस चाहते हो उसको तो हम जस्ट इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और क्लियर रूल्स।
नंबर, और यहाँ पे हमने हमारा जनरल लिख देंगे। तो ये नंबर्स हमारे वापस आ गए। तो आपको इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ से हमें मिलेगा, और इंशाल्लाह आगे और भी एक्सेल को और अच्छे से और बेहतर तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।